हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनालिसिस वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा मार्केट कहीं ना कहीं एक बिल्कुल कम्प्लीटली साइडवेज रेंज में ओपन हुआ। उसके बाद हमारे मार्केट ने कहीं ना कहीं पूरा दिन एक कम्प्लीटली कंसोलिडेशन रेंज में ही अप एंड डाउन बनाए। बट कहीं ना कहीं हमें दोस्तों 2 बजे के अराउंड के पास एक ब्रेकआउट मिला, अपने डेज के हाई को हमारे मार्केट ने तोड़ा और एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव साइड में मोमेंटम दे दिया। बट दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि 2 से 2:30 बजे के बाद हम कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे, तो एक कहीं ना कहीं पूरा का पूरा दिन हमारे लिए कंसोलिडेशन रेंज में ही क्लोज हो गया। अब दोस्तों, मार्केट के अंदर हमारी आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए, कल के लिए हमारे क्या लेवल्स रहने चाहिए, क्या टारगेट्स रहने चाहिए, क्या स्टॉक्स रहने चाहिए, वो सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आके आपको दिखाएंगे, तो आज आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मैंने आपको क्लियरली एक चीज बता दी कि हमारा जो डाटा है और हमारे ग्लोबल क्यूज है वो कहीं ना कहीं हमें क्लियरली इंडिकेशन दे रहे थे कि हमारा इंडियन मार्केट एक कम्प्लीटली साइडवेज रेंज में ओपन हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के दोनों ही एक कम्प्लीटली साइडवेज रेंज में ही ओपन हुए। बट उसके बाद दोस्तों एक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन रेंज मिली। अब इसके अंदर कल के लिए हमारी क्या रणनीति रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप देखेंगे तो कल के लिए मैं आपके लिए लेवल्स बना के लेके आया हूं। अगर आपको कल दोस्तों एक बहुत क्रूशियल, मैं आपसे दोस्तों बहुत सीरियस एक बात कहना चाहूंगा कि कल मार्केट में पता लगेगा, मैं अभी तक सिर्फ आप सोच रहे होगे कि एक एग्जैक्ट हमें इसका ब्रेकआउट मिला है तो उसके बाद हम मार्केट में बुल्स एक्टिव हो चुके हैं और एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल सकता है, ठीक है। बट मेरी सोच दोस्तों ये है कि अगर कल हमें ये ब्रेकआउट दे देगा 17,830 के अराउंड के लेवल का, तभी कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूं कि मार्केट में बुल्स एक्टिव हो चुके हैं और उसके बाद मैं कंप्लीटली मार्केट के अंदर पॉजिटिव साइड के ट्रेड्स ही फाइंड करने चालू कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत क्रूशियल रेसिस्टेंस जोन का काम करने वाला है। दोस्तों मैं सिर्फ इसको इसके प्रीवियस अप एंड डाउन को देख के नहीं कह रहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने चीज इसमें नोटिस करी, अगर आप देख पाएंगे मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर आप दोस्तों फिबोनाची लेवल्स को देखेंगे, फिबोनाची लेवल्स में एग्जैक्टली अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये स्टॉक एग्जैक्टली अपने उस जोन के पास आ चुका है जो कि आपका 0.618 का है, आपको दिख पा रहा होगा, और एग्जैक्टली वहीं से ये एक काइंड ऑफ क्लोजिंग इसने हमें दी है। अगर कल ये दोस्तों यहां से रिवर्सल दे देता है तो अगर आपको पता होगा फिबोनाची लेवल्स में हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी होती है, तो मार्केट अगर डाउन जा रहा है, डाउन के बाद एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स के पास 0.618, 0.786 इनके आसपास आता है और उसके बाद एक कंटिन्यूएशन मूव हमें वो देता है, तो एग्जैक्टली दोस्तों एग्जैक्ट उन्हीं के पास आके ये क्लोज हुआ है। तो कल हमें पता लगेगा कि किस तरफ हमें मार्केट क्लोज दे सकता है। अगर इसने दोस्तों कल ब्रेक दे दिया हमारे लेवल्स का जो कि आपका 17,830 के लेवल है और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है, तब कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव साइड पर एंट्री ले सकता हूं और एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव साइड पर मोमेंटम मैं ग्रैब निफ्टी के अंदर कर जाऊंगा। बट अगर यहां से एग्जैक्टली ये रेसिस्टेंस फाइंड कर जाता है दोस्तों, तो हमें जो अपनी सेलिंग स्टार्ट करनी है, सेलिंग इनिशिएट भी दोस्तों आपको डायरेक्टली नहीं करनी, सेलिंग इनिशिएट के लिए भी हमारा एक लेवल है जो कि आपका 17,670 के अराउंड का लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तभी आप इसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे और अपना टारगेट 1:2 का निफ्टी के अंदर आप अचीव कर जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले इंडेक्स पे जो कि आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की मैं आपसे बात करूंगा तो बैंक निफ्टी में मेरे को बहुत अच्छा खासा पैटर्न देखने को मिल रहा है। फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ पे एक आपको दिया था, उसमें आपको एक पॉजिटिव रैली देखने को मिली। एग्जैक्टली मैंने आपको यहाँ पे भी कहीं पे एक लेवल बना के दिया, उसके बाद आपको एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी हमारा बैंक निफ्टी दोनों ही 2-3 दिन से एक बहुत अच्छा खासे स्ट्रेच हो चुके हैं, जब से मंडे और ट्यूजडे आज एक बहुत अच्छी खासी ओपनिंग जैसे कि हमें मिली। अब इसके अंदर बैंक निफ्टी में मैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड के लेवल्स बना के लेके आया हूँ। दोस्तों जो ये मैंने आपके लिए एक रेसिस्टेंस जोन बनाया है जिसके पास एग्जैक्टली बैंक निफ्टी एज अ रेसिस्टेंस फेस करेगा कल के लिए, तो वो आपका 36,900 का लेवल है। जैसे ही इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है और ऊपर सस्टेन कर जाता है 15 मिनट्स के कैंडल के साथ, आप इसमें पॉजिटिव साइड की अपॉर्चुनिटी बहुत इजीली अचीव करके चल सकते हो। बट अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे एक डबल टॉप का पैटर्न बनाता है, जैसे कि इसका ये फर्स्ट टॉप हो गया और एग्जैक्टली यहीं से रिजेक्ट होकर ये डबल टॉप का पैटर्न बना देगा और इसका हमारे लेवल का ब्रेक दे देता है जो कि आपका 36,525 के लेवल है, हम इसमें नेगेटिव साइड के लिए भी एंटर होंगे और एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मेरे को नेगेटिव साइड पे बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है।
टारगेट दोस्तों मैं आपको कोई लेवल नहीं दूंगा, टारगेट आप अपना रिस्क टू रेशो रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 का इजीली लगा के चल सकते हो। अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले हमारे स्टॉक्स बेस्ट 4 इंट्राडे के स्टॉक्स जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आई होप मैंने आपको इंडेक्सेस की एनालिसिस क्लियरली बता दी होगी कि किस डायरेक्शन में कल हमें ट्रेड करके चलना है, क्या हमारे रूल्स रहने चाहिए कल के लिए। अब स्टॉक्स के ऊपर आते हैं तो सबसे पहला स्टॉक जो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है आपका अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स में दोस्तों मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिवनेस आती हुई दिख रही है, क्योंकि थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी कि एक बहुत ब्यूटीफुली एक बहुत अच्छे खासे मूव के बाद एग्जैक्टली मार्केट इसी रेंज में हॉल्ट हुआ, जो कि आपकी 5100 के अराउंड की लेवल है। ठीक है, मार्केट में वापस से नेगेटिवनेस आई तो एग्जैक्टली यहीं से कहीं ना कहीं बुल्स ने वापस से एक्टिव होने की कोशिश करी, बट मार्केट में उन्होंने हार गए, मार्केट में वो हार गए और वापस से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब एग्जैक्टली दोस्तों जो सपोर्ट थी वो सपोर्ट एक रेसिस्टेंस की तरह फेस कर रही है, एग्जैक्टली रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पे फेस हुई और मार्केट को वापस से नीचे की तरफ बेयर्स ने फेंक दिया। अब कल के दिन इसमें हमारी क्या रणनीति रहेगी, एक ट्रेंड लाइन फॉलोअप हो रही है हमारी, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें मिलता है जो कि आपका 4940 का लेवल है, हम इसके अंदर नेगेटिव साइड की अपॉर्चुनिटी बहुत इजीली ग्रैब करके चल सकते हैं और एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम जो कि मेरा फर्स्ट टारगेट 1:2 का रहने वाला है और जो सेकंड टारगेट है वो 1:2.5 का हम अपोलो हॉस्पिटल में अचीव कर सकते हैं। अब दोस्तों स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्टॉप लॉस आपका ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, अराउंड 22 रुपीज का स्टॉप लॉस आप इसके अंदर लगा के चल सकते हो। अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले स्टॉक पे जो कि है हमारा डाबर। डाबर का दोस्तों थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम पे पहले मैं आपको प्रोजेक्शन बता दूं क्या हमें मिल रहा है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट हेड, ये आपका फर्स्ट शोल्डर, ये हेड और ये आपका हो गया सेकंड शोल्डर और इस सेकंड शोल्डर के बाद हमें ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट मिल रहा है और इस रिटेस्ट के बाद एक वापस से कंटिन्यूएशन मूव हमें इंट्राडे में कल मिल सकती है। अब दोस्तों ये तो थी बड़े टाइम फ्रेम पे, अब कल के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे हमारी क्या रणनीति चल रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो चार्ट पैटर्न हमें दिखा रहा है, हमारे चार्ट हमें दिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट हो रही है इस ट्रेंड लाइन की और इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही कल हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। जो हमारे दोस्तों प्रोजेक्शन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं उन्हें तो कोई जोन देने की कोई रेंज देने की मेरे को जरूरत नहीं है, वो एग्जैक्टली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो, उसके ब्रेक होते नहीं आप इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करिएगा और प्रीवियस हाई के ऊपर आप इसमें अपना स्टॉप लॉस लगा के एक बड़ा मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। बट दोस्तों जिनको थोड़ा सा प्राइजेक्शन समझ नहीं आता तो मैं उनको भी क्लियरली एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे ही आपका 571 का लेवल ब्रेक होगा आप इसमें नेगेटिव साइड के लिए एंटर हो सकते हो और एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आप इसके अंदर ग्रैब कर जाओगे। अब दोस्तों टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करूं तो टारगेट आपका 1:2 का रहने वाला है और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस आप 1-2 रुपीज का लगा के चल सकते हो। अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले स्टॉक पे जो कि आपका HDFC लाइफ। दोस्तों दो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं पॉजिटिव साइड के लिए और दो स्टॉक मैं लेके आया हूं आपके लिए नेगेटिव साइड के लिए। अगर मार्केट कल जिस डायरेक्शन में रहेगा दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी जिस डायरेक्शन में रहेंगे उसी डायरेक्शन के स्टॉक को हम कल ट्रेड करके चलेंगे। जैसे कि आपका HDFC लाइफ है, HDFC लाइफ को थोड़ा सा पीछे आके दिखाऊंगा मैं आपको तो एग्जैक्टली आप देख पा रहे होंगे, एक सेकंड जी आपको दोस्तों एक रेंज में आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पाएंगे एग्जैक्टली यहां पे मार्केट ने कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी हमें हॉल्ट दी थी, हॉल्ट के बाद ब्रेक हुआ हमारा लेवल और मार्केट ने एक बहुत अच्छी खासी रैपिड मूव हमें इंट्राडे में दे दी, बट उसके बाद कहीं ना कहीं बुल्स एक्टिव हुए, बुल्स ने एक कंसोलिडेशन साइडवेज रेंज बनाई और उसके बाद ब्रेकआउट दिया और एक बहुत अच्छा खासा इंट्राडे में टारगेट हमें इसके अंदर मिल गया। अब एग्जैक्टली सेकंड टाइम ये अपना वो पैटर्न बना रहा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, तो जैसे ही कल हमें ये ब्रेक देगा 654 के लेवल का दोस्तों हम इसके अंदर डायरेक्टली एंटर होकर चल सकते हैं और एक बहुत आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव साइड पर हम इंट्राडे में ग्रैब कर जाएंगे। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा पहले इसको करेक्ट कर देता हूं, 654 नहीं दोस्तों 655 का लेवल, जैसे ही इस लेवल का हमें ब्रेक मिलेगा एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें इसके अंदर इंट्राडे में मिल जाएगी।
टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करूं तो टारगेट आपका 1:2 का रहने वाला है, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस आप इसके अंदर अराउंड अपना 2-3 रुपीज का लगा के चल सकते हो। अब आते हैं दोस्तों हमारे आखिरी स्टॉक पे, जो कि मैं आपके लिए इंट्राडे के लिए कल के लिए लेके आया हूं, वो है आपका ONGC। जी दोस्तों ONGC में भी मैं आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव साइड की अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली एक हमें चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, ये इसका मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। तो ये इसका पोल हो गया, और पोल के बाद दोस्तों ये इसका फ्लैग पैटर्न हो गया। इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट तो हमें मिल चुका है, बट इसका एक लेवल है जो इसको ब्रेक करना होगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं हम इसमें पॉजिटिव साइड की एंट्री ग्रैब करेंगे, और एक सिर्फ इंट्राडे नहीं एक स्विंग अपॉर्चुनिटी भी हमें इसके अंदर देखने को मिल सकती है। अब ONGC में हमें ट्रेड किस बेसिस पे लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप देखेंगे ONGC में आपका एक लेवल है जो कि 148.55 का लेवल है। जैसे ही दोस्तों ये लेवल ब्रेक होगा आपका 148.55 का, आप इसके अंदर पॉजिटिव साइड के लिए एंटर हो जाएंगे, और एक बहुत आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी जो कि आपका फर्स्ट टारगेट 1:2 का रहने वाला है, और जो सेकंड टारगेट है वो रिस्की ट्रेडर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, जो कि 1:3 का वो लगा के चल सकते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो 0.5-1 रुपीज का इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंट्राडे स्टॉक्स। आई होप कि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है जिसमें हम लाइव मार्केट की अपडेट्स देते रहते हैं, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।